डी ये स्टूडेंट्स ना वी विल डिस्कस वाट आर द डिफरेंट रीजनस एंड डिफरेंट इशूज ऑफ आर्गनाइजेशनल कल्चर आर्गेनाइजेशन कल्चर बहुत अच्छी चीज़ है इससे बहुत प्रॉफिटबिलिटी प्रोडक्टिविटी एक्सपेंशन बिजनेस की होती है इमेज बिल्डिंग होती है गुडविल में इजाफा होता है सॉफ्टवेयर में डिवेलप होता है लेकिन इसके कुछ चैलेंजेज़ हैं अब वो चैलेंजस किस तरह से काम करते हैं इसमें टॉप मैनेजमेंट का रोल इसमें सब आर्डिनेट्स का रोल इसमें सी ई यू के अमल दखल इसमें कम्पैक्टर का इम्पैक्ट आपके ऊपर बारगेनिंग पावर ऑफ सेलर बायर बिहेवियर इन ईजी वर्ड्स जितने भी स्टेक होल्डर हैं जिनके डिसीजन से बिजनेस इफ़ेक्ट हो सकता है या इनके डिसीजन से बिजनेस इफ़ेक्ट हो सकता है ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें कंसीडर करनी पड़ेंगी और जो इश्यूज हैं जिसके अंदर कुछ इंटरनल इश्यूज हैं जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को इफ़ेक्ट करेंगे और कुछ आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जिसमें पोलिटिकल इकनॉमिक सोशो टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल लीगल एनवायरमेंटल स्कैनिंग ये कुछ फैक्टर्स भी किसी भी बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को इफेक्ट कर सकते हैं अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है क्रिएटिंग एन इनोवेटिव कल्चर जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इनोवेटिव यूनिक न्यू कम्पैटिव कम्पीट करते हुए बेहतरी की तरफ जाना इस तरह का कल्चर डेवलप किया है उसने ऑर्गेनाइजेशन ने लीड किया है फॉर एग्जाम्पल अगर हम एप्पल की बात करें एप्पल फ्रॉम इट्स फाउंडिंग इन नाइनटीन सेवनटी सिक्स टू टू डे Apple has been on the forefront of product design and development. Product design और product की development में innovation जितनी Apple ने की है बहुत कम organization ने की है। और अगर इसकी historical perspective देखें तो ये organization कब establish हो गई? ये 1976, 24 years पिछली जो century है उसके और 22 years ये वाले। 24 और 22 ये basically 30 ये 48 years बनते हैं। यानी कि less than 50 years अब इसमें अगर ये लीड कर रही है दुनिया में तो उसके पीछे कोई फैक्टर होंगे और वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का फैक्टर है इस कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की इनोवेशन और डेवलपमेंट का फैक्टर है क्रिएटिंग एन इनोवेटिव कल्चर में कुछ जो फैक्टर इंपॉर्टेंट है जिनके ऊपर फोकस किया जाए तो फिर इनोवेटिव कल्चर डेवलप होता है वो पॉइंट ये स्टूडेंट्स ये हैं चैलेंज एंड इन्वालमेंट अब ये जो टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का है या मैनेजमेंट की बुक से ले सकते हैं रिटर्न बाय स्टीफन पी रॉबन इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का मुकम्मल चैप्टर है वहाँ से ये चीज़ें मैंने लेके आपके लिए डिज़ाइन की हैं चैलेंज एंड इन्वॉलमेंट इम्प्लॉ को जब टास्क दें तो उसके लिए वो लिटिल बिट चैलेंजिंग हो और इन्वॉलमेंट उसमें हो इम्प्लाई की फ्रीडम जब इम्प्लॉ को टास्क दें तो उसको फ्री हैंड भी दें ही और शी हैज द चॉइस और टू डू द वर्क ऐसा ना हो कि फिर इंटरफ्रेंस आप करते रहें ये गलत है ट्रस्ट एंड ओपननेस एम्प्लॉ पर ट्रस्ट करें और उसको ओपननेस में काम करने दें आइडिया टाइम प्लेफुलनेस कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन डिबेट्स रिस्क ट्रेकिंग ये वो इम्पॉर्टेंट कम्पोनेट्स हैं जिनकी मदद से ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएटिव इनोवेटिव कल्चर डिवेल्प होता है और ये टेक्नोलॉजीज आई थिंक सो सेल्फ एक्सप्लेनिटिंग है कोई बहुत डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट्स रखती हैं इनमें से किसी एक को भी आप एलिमिनेट नहीं कर सकते क्रिएटिंग कस्टमर रिस्पॉन्सिव कल्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आर्गनाइजेशन के अंदर हम कल्चर की बात ना करें तो किस तरह को ऑकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन को इंजनेरिक हम डिफाइन करेंगे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन वही लीड करती हैं जो अपने कस्टमर के मुताबिक रिस्पॉन्स करती हैं इसी को कस्टमर रिस्पॉन्सिव कल्चर कहते हैं अभी मैं आपको एक्जाम्पल दे रहा था एप्पल की एप्पल ऑर्गेनाइजेशन ने अगर प्रोडक्ट्स में इनोवेशन लेके आई डेवलपमेंट लेके आई प्रोडक्शन में प्रोसेस में प्रोडक्शन में डेवलपमेंट प्रोसेस में डेवलपमेंट या चेंजेस इनोवेशन तो किसकी वजह से लेके आई कस्टमर की, की वजह से कस्टमर डिमांड की वजह से इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कस्टमर रिस्पॉन्सिव कल्चर स्पिरिचुअलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर व्हाट इज वर्क प्लेस इट इज कल्चर इन विच ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज प्रमोट अ सेंस ऑफ परपजस थ्रू मीनिंगफुल वर्क टेकिंग प्लेस इन दंटेक्सट ऑफ कम्युनिटी आप वैल्यूज का ख्याल रखते हैं अब वो वैल्यूज़ रिलीजियस वैल्यूज भी हो सकती हैं सोशल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं तो इस तरह स्पिरिचुअलिटी आपके काम को इन्फ्लुएंस करता है और इफ़ेक्ट करता है अगर आप लोग स्पिरिचुअल वैल्यूज़ लेके और उनकी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं तो ये ज़्यादा बेटर है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की वैल्यूज़ को डिवेलप करने के लिए और देन स्पिरिचुअलिटी एंड आर्गेनाइजेशन कल्चर ऑर्गेनाइजेशन विद अ स्पिरिचुअल कल्चर रिकोगनाइज द पीपल हैव अ माइंड एंड अ स्पिरिट सीक्स टू फाइंड मीनिंग एंडज़ इन वर्क एंड डिजायर टू कनेक्ट विद अदर ह्यूमन बींगज एंड बी पार्ट ऑफ कम्यूनिटी वो लोग जो दूसरे लोगों का ख्याल रखते हैं ये स्परिचुअलिटी है वो लोग जो जिनकी वैल्यूज दूसरे लोगों के लिए हैं जो दूसरे लोगों के लिए केयिंग एटीच्यूड रखते हैं ये आपके लिए वैल्यूज बेस्ड कल्चर है यह आपके लिए स्परिचुअलिटी एंड ऑर्गेनाइजेश और फाइनली एंड सच डिजायर आर नॉट लिमटेड टू वर्क प्लेस एज अ रीसेंट स्टडी शोड दर कॉलेज स्टूडेंट आर आल्सो सर्चिंग फॉर मीनिंग एंड परपज इन लाइफ ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं है अगर आप सोसाइटी का भी ख्याल रखते हैं मसला जहाँ पर आपकी आर्गनाइजेशन या किसी टाउन में उसके सराउंडिंग में आप वहाँ पर ग्रीन बेल्ट डिवेल्प कर देते हैं वहाँ पर वेस्टेज के प्रॉपर निज़ाउन डिवेल्प कर देते हैं या जिस तरह हो सके सोसाइटीज़ को बिल्ड करने में हेल्प कर देते हैं तो दिस इज़ नोन एज स्परिचुअलिटी एंड आर्गेनाइजेशन कल्चर